हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से फाई का जो बैंक है उसका मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो है मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, 4927 लास्ट में है और मैं इसको चेंज करके कोई अनदर नंबर रजिस्टर करने वाला हूँ। और अनदर नंबर रजिस्टर करने के बाद यार सारा कुछ आप इस्तेमाल कर पाएंगे नया वाला नंबर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यार आपको फाई का जो है एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेना है और प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको जो साइन आउट कर लेना है। जैसे साइन आउट करेंगे उसके बाद यार कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं वांट टू चेंज मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका नया वाला मोबाइल नंबर मतलब डालना है, मतलब जो भी आपको रजिस्टर करना है अनदर मोबाइल नंबर वो यहाँ पे सिंपली डालना। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को इंटर करके और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैं जो मोबाइल नंबर इंटर कर लिया, अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा देर मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक जो है ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे आपको ओके गॉट इट पे क्लिक करना है जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है। अब आपको यार यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालना है जो पुराना वाला ईमेल आईडी आपका था। तो यहाँ से मैं जो अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो पहले से आपका रजिस्टर्ड था ईमेल आईडी वही वाला आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपका यार मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं अभी यार क्या करना है कि आपको जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करके और डालना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको जो है अलाउ करना है, अलाउ करते जाना है कुछ इस प्रकार से, सारा कुछ अलाउ करना है। उसके बाद एक बार फिंगर डालना है, फिंगर डालने के बाद जो है आपको एक बार जो है मतलब एक वीडियो कैप्चर करना है इस सर्कल में आपको अपना फेस करके और एक वीडियो कैप्चर करना। चलिए मैं वीडियो को कैप्चर करके उसके बाद यार स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करके सबमिट किया, सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो अपना एटीएम पिन डालना, चलिए मैं अपना एटीएम पिन डाल के और आगे बढ़ता हूँ। एटीएम पिन डालने के बाद आगे बढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर नया वाला आ चुका है और ईमेल आईडी पुराना वाला। तो यहाँ पे आपको सिंपली यार अपडेट एंड लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से अलाउ करना है नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको आता है तो। अब यहाँ पे आपको सिम आपको सेलेक्ट करना है जो नया वाला सिम है, अभी जो आप नया वाला मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर किए हैं वो नया वाला सिम का आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा नया वाला जो सिम है वो सिम सूट 2 में है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके और आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, सेंड एसएमएस पे क्लिक करता हूँ और अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। और इस प्रकार से करने के बाद यार आपका जो है सक्सेसफुली मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। फिलहाल जो एप्लीकेशन का अपडेट आया हुआ तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद यार ऑटोमेटिक जो है आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यार आपको मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना था, चेंज करना था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।